स्वागत है आपका टुडेज की इस ब्रेकिंग न्यूज में। रियामिक्का वो तमिल एक्ट्रेस जिन्होंने काफी तमिल फिल्मों में काम किया था, प्रमुख जिनमें ये दो फिल्में थी कुंद्रथिल्ले कुमारानुक्कु कोंडतम और अघोरीयन आतम आरंभम, और इन दो फिल्मों में ये काम करने वाली जो एक्ट्रेस थी इन्हें इनके रेजिडेंस में मृत पाया गया। इनका रेजिडेंस था वलासरवक्कम में और रियामिक्का ने अपने आप को लटका करके जो है आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो हकीकत है उनके मृत्यु के पीछे वो इस समय तक पता नहीं है। पुलिस ने इस समय तक कोई बताया है कि आत्महत्या का नोट नहीं मिला है, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वो अपने भाई प्रकाश के साथ रहती थी एक रेंटेड अकोमोडेशन में, श्रीदेवी कुप्पम एरिया है वलसावरक्कम का, उसमें वहां पर ये दोनों व्यक्ति जो है पिछले 4 महीनों से रह रहे थे। प्रकाश ने कहा पुलिस को कि रियामिक्का जो है थर्सडे नाइट को काफी लेट आई और वो आखिरी समय था जब उन्होंने अपनी बहन को देखा। प्रकाश ने कहा कि उस दिन वो बहुत अपसेट लग रही थी और थकी हुई लग रही थी जब वो आखिरी बार दोनों व्यक्ति एक साथ थे। ऑन थर्सडे नाइट रियामिक्का ने अपनी आखिरी कॉल की दिनेश को, दिनेश जो उनके बॉयफ्रेंड थे, और उसके बाद वेंसडे को जब दिनेश ने उनको जो है फोन करना शुरू किया तो रियामिक्का ने अपने फोन पर कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने कहा कि चलिए मैं मिल लेता हूँ। प्रकाश और दिनेश जो है जब वहां पहुंचे और जब देखा कि रियामिक्का का कमरा अंदर से बंद है और वो जवाब नहीं दे रही है, तो कई नॉक करने के बाद भी जवाब न मिलने पर प्रकाश ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और ये पाया कि रियामिक्का वहां पर छत से लटकी हुई थी। पुलिस ने अब इस डेथ को जो है डिक्लेयर कर दिया है कि अननेचुरल डेथ है, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत आवश्यक है। वैसे रियामिक्का को जब फिल्मों में काम मिला उसके बाद फिर अचानक नया नया क्यों ऐसा हुआ कि उन्हें फिल्म में काम मिलना बंद हो गया, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गई थी। परिवार वालों का यही कयास है, यही यह है उन लोगों का अंदाजा कि रियामिक्का जो है वही जो स्ट्रेस था काम न मिल पाने का और घर बैठने का, उसी स्ट्रेस को न झेल पाई और अब उन्होंने आत्महत्या कर ली है। जैसे जैसे इस मामले में और कुछ खुलासा होगा हमारे सामने, हम खबर आपके सामने लेकर के आएंगे। अभी हमें इजाजत दें, धन्यवाद।